ब्लॉक प्रमुख के रूप में लंबे समय तक इस विकास खंड में अपनी सेवाएं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में दी, ऐसे बाबू चतुर्भुज सिंह जी की इस भव्य प्रतिमा का आज स्थापना का कार्यक्रम उन्हीं के द्वारा स्थापित महाविद्यालय के इस प्रांगण में संपन्न हुआ है। पर बाबू चतुर्भुज सिंह जी को उनके स्मृतियों के लिए मैं नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप सब जानते हैं वे एक वरिष्ठ समाजसेवी थे, सुख दुख में हर एक व्यक्ति के साथ खड़े होते थे, विपरीत परिस्थितियों से जूझने की एक प्रवृत्ति थी और सम और विषम परिस्थितियों में कार्य करके जनहित से जुड़े हुए मुद्दों पर प्रखरता के साथ आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहते थे। बांसगांव क्षेत्र में ऊर्जा से भरपूर एक क्षेत्र है। बांसगांव का व्यक्ति, यहां का युवा, जब भी उसे मार्गदर्शन, उचित मार्गदर्शन मिला, उसने अपनी प्रतिभा का लोहा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और बांसगांव की इस धरती से जो भी बाहर गया, यहां का प्रताप, यहां की ऊर्जा, यहां की प्रतिभा सदैव उसके साथ बनी रही और उसका परिणाम था कि वह जिस क्षेत्र में गया वहां उसने समाज के सामने कुछ मानक गढ़े। इस बांसगांव क्षेत्र में निकला हुआ व्यक्ति बाहर तो विकास कर लिया, लेकिन बांसगांव में विकास काफी पीछे छूट गया। इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। एक विपरीत जो परिस्थितियां थी, हर वर्ष बाढ़ आ जाना, बाढ़ से घिरा रहना, सरकारों की उपेक्षाएं भी थी और साथ साथ यहां पर स्वयं की प्रतिस्पर्धा इतनी प्रबल हो गई थी कि वह विकास की ओर नहीं मुड़ पा रही थी। लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों में भी कुछ लोग थे जो यहां के विकास के बारे में सोच रहे थे और खासतौर पर विकास शिक्षा से होगा, और इस बात को बाबू चतुर्भुज सिंह जैसे कुछ लोगों ने देखा, सुना और यहीं पे फिर उन्होंने एक डिग्री कॉलेज की स्थापना, एक महाविद्यालय के उच्च शिक्षा के केंद्र के रूप में जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया। यानी जन सहभागिता के माध्यम से बड़े केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं और शिक्षा के केंद्र जहां हजारों छात्रों के जीवन को मार्गदर्शन देने का काम कर रहे हैं, वहीं साथ ही साथ शिक्षा के इन केंद्रों के माध्यम से ढेर सारे लोगों को रोजगार और आगे बढ़ने की एक नई संभावना भी विकसित होती है। जिस कालखंड में सरकार का प्रोत्साहन कम था, उस समय बांसगांव क्षेत्र में डिग्री कॉलेज की स्थापना एक सपना था। बिटोली में कॉलेज था, कौड़ीराम में था, गोरखपुर में था, लेकिन बांसगांव में नहीं था। और बांसगांव में उस समय जस्टिस केडी साही जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, यहां पर बाबू चतुर्भुज सिंह जी ने इस कॉलेज की स्थापना के दायित्व को अपने कंधों में लिया और देखते ही देखते यहां पे एक महाविद्यालय बना और आज ये पीजी कॉलेज के रूप में इस क्षेत्र में उच्च शिक्षा के केंद्र के रूप में स्थापित होकर के कार्य कर रहा है। शिक्षा का एक केंद्र बिंदु बनना अनेक रचनात्मकता को
आगे बढ़ाने में सहायक हुआ, उसका परिणाम हम सबके सामने है। आज यहां पे विकास की नई नई योजनाएं आ रही है, विकास के नए कार्य हो रहे हैं, विकास की इस दौड़ में कोई पिछड़ने ना पाए, इसके लिए लोगों ने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दिया है। ये परिणाम हम सबके सामने है और इसीलिए जब हम यहां बाबू चतुर्भुज सिंह जी के इस मूर्ति स्थापना के कार्यक्रम के साथ यहां पे सभी सम्मिलित हुए हैं, हम लोगों को याद रखना होगा कि विकास ही लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएगा, चाहे वह सड़क का विकास हो, चिकित्सालय की स्थापना का कार्य हो, चाहे वह हर घर नल की योजना हो। जब भी कोई विकास आता है तात्कालिक परेशानी हो सकती है, लेकिन एक लंबे समय तक उसका लाभ समाज को प्राप्त होता है। दुनिया के अंदर कोई विकास ऐसा नहीं हुआ है कि विकास पहले आया हो और बिना किसी तोड़फोड़ और बिना किसी व्यवधान के विकास की योजना लागू हो गई हो। हमें इन स्थितियों को समझना होगा कि हर घर नल योजना में अगर पाइपलाइन के लिए सड़क खोद करके पाइपलाइन बिछाई नहीं जाएगी तो कभी पूरी नहीं हो पाएगी, अस्थायित्व तो उसमें नहीं आएगा, एक प्रक्रिया के साथ जोड़ना पड़ेगा। सड़क चौड़ीकरण करना है तो अतिक्रमण हटेगा, और अतिक्रमण हटेगा तो अच्छी सड़क बनेगी तो लोगों का आवागमन आसान होगा। हमें इन बातों को समझना होगा कि जब कहीं पे लैंड मिलेगी तो उसमें शिक्षा के केंद्र भी बनेंगे, स्वास्थ्य के केंद्र भी बनेंगे, टेक्निकल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन के भी सेंटर स्थापित होंगे और वहीं पर निवेश भी होगा, उद्योग भी लगेंगे। हमें विकास के इन कार्यों के प्रति एक सकारात्मक रुख अपनाना ही पड़ेगा। इस सकारात्मक रुख का परिणाम हमारे सामने विकास के रूप में आएगा, रोजगार के रूप में आएगा, उस क्षेत्र के लोगों के जीवन में खुशहाली के रूप में आएगा। याद करिए कितना परिवर्तन हुआ, आज से 100 वर्ष पहले, 150 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले यहां की त्रासदी बन चुकी थी प्लान था जिसके कारण यहां के लोगों को बाहर जाना पड़ा था, अन्य देशों में जाना पड़ा था, और अन्य देशों में फिर उन्होंने जब मेहनत की, परिश्रम किया, उस देश को विकास की बुलंदियों की ओर अग्रसर किया तो वहां पर जन विश्वास के वे प्रतीक बने, जन विश्वास के प्रतीक बने तो वहां का नेतृत्व उनके हाथों में आया। भाइयों बहनों, हम लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ रहते हैं, जन विश्वास पर खरा उतरने के लिए जब हम अपने स्तर पर प्रयास करेंगे उसके परिणाम भी हमारे पक्ष में आएंगे। एक संकल्प होना चाहिए हमारे जीवन का। प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में इसी बात को कहा, उन्होंने जिन पंच प्रण की बात की थी, ये पंच प्रण हर जीवन, हर भारतीय के जीवन का संकल्प होना चाहिए। और उस पंच प्रण जो थे उनमें सबसे पहला संकल्प है कि हम विकसित भारत का निर्माण करेंगे। विकसित भारत का निर्माण कैसे होगा? जब भारत आत्मनिर्भर होगा। दूसरों पर निर्भर रहकर के कोई व्यक्ति विकसित नहीं, विकास नहीं कर सकता, विकास के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, आत्मनिर्भरता से विकसित भारत का निर्माण। दूसरा, गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना, जो हमारी परंपरा को गौरव की अनुभूति करने से रोकता हो उससे किनारा करना। गुलामी किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं। तीसरा, विरासत पर गौरव की अनुभूति करना, अपने पूर्वजों पर, राष्ट्रीय महापुरुषों पर, देवी देवताओं पर, इन सब पर गौरव की अनुभूति करना, मानविंदों के प्रति सम्मान का भाव रखना,
महापुरुषों के प्रति सम्मान का भाव रखना, विरासत को हर हाल में स्थापित करके उससे प्रेरणा प्राप्त करना, और चौथा है कि एकता और एकात्मता के लिए कार्य करना। आज क्या स्थिति हो गई है, जो लोग विकास नहीं चाहते वे जाति जाति के नाम पे समाज को बांटना चाहते हैं। ये जानते हैं ये जाति का जहर देश की गुलामी का कारण था, ये जानते हैं ये जातिवाद के कारण हमारा देश गुलाम हुआ था, लेकिन फिर भी उस जहर को समाज के बीच में घोलने के लिए कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए किंचित भी प्रवाह के बगैर लगातार उस जहर को घोलने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। हमें इसके प्रति जागरूक होना होगा। ये जहर किसी का हित नहीं कर पाएगा। और पांचवा है जिस पर हर भारतीय को ध्यान देना होगा, नागरिक कर्तव्य। एक नागरिक के रूप में अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए और अपने जनपद और अपने कस्बे के लिए मेरा क्या दायित्व है। मेरा यह मानना है कि जीवन के जिस भी क्षेत्र में जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, एक छात्र ईमानदारी से अगर अपने छात्र धर्म का पालन कर रहा है तो ये मान करके चलिए कि वह अपने नागरिक कर्तव्य का पालन कर रहा है। एक छात्र का धर्म क्या है, एक छात्र का धर्म है वह अध्ययन अध्यापन करे, जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए जहां भी अवसर मिलता है उसका पालन करे, ज्ञानार्जन के जो भी साधन है जहां से भी प्राप्त होता है उससे प्रेरणा प्राप्त करे। यही तो हमारी श्रुति कहती है, आनोभद्रा कर्तव्यो यन्तो विश्वत्। ज्ञान जहां से भी प्राप्त हो सकता है, और ज्ञान केवल वो नहीं जो आप अपने पुस्तकों में पढ़ते हैं, ज्ञान वह भी है जो आप सामाजिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में, समाज के इर्द गिर्द देख रहे हैं, समाज के संपर्क में आने पर जो आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, जो परिणाम दिखाई दे रहे हैं उसका अनुभव, वही सच्चा ज्ञान है। कर्तव्य का पालन, एक नौकर इस नौकरी में, नौकरी का नौकर सा अपने कर्तव्य का पालन अपने क्षेत्र में करे, एक शिक्षक अपने क्षेत्र में करे, एक किसान अपने क्षेत्र में करे, एक श्रमिक अपने क्षेत्र में करे, एक व्यवसायी अपने क्षेत्र में अपने कर्तव्य का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर रहा है तो फिर कहीं कोई समस्या नहीं। और आज यही हमारे लिए सबसे बड़ा संकट है। अगर 2047 तक जब देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा तब हम भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में अगर स्थापित करना है, एक विकसित भारत का निर्माण करना है तो विकसित भारत के लिए नागरिक कर्तव्य से लेकर के गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना, विरासत पर गौरव की अनुभूति करना, एकता और एकात्मता के लिए कार्य करना और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए अहर्निश प्रयास करना, ये सभी प्रयास अगर एकजुट होकर के प्रारंभ होते हैं तो भाइयों बहनों उसके परिणाम भी हमारे पास आते हैं और हम सब उन परिणामों के कारण अपने देश को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करेंगे। अगर हमारा देश विकसित भारत बनता है, याद रखना एक विकसित भारत, इसमें हर नागरिक के सम्मान की रक्षा की गारंटी है, इसमें हर व्यक्ति के सुरक्षा की गारंटी है, इसमें हर व्यक्ति के लिए रोजगार की गारंटी है, इसमें हर व्यक्ति के लिए सम्मान के साथ जीवित जीवन यापन करने का एक अवसर है, एक गारंटी है। और उस गारंटी के साथ आज हम सब आपको जोड़ने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों हमें निरंतर प्रयास करना होगा, जीवन में परिश्रम और पुरुषार्थ का कोई विकल्प नहीं हो सकता। और अब तो हमारी शिक्षण संस्थाओं को राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपने यहां लागू करने में देर नहीं करनी चाहिए। हमारी शिक्षण संस्थान केवल डिग्री बांटने का एक अड्डा न बने बल्कि शिक्षण संस्थानों को सर्वांगीण विकास का एक माध्यम बनाना चाहिए।
हमारे यहां से निकले हुए छात्र छात्राएं जब जीवन के किसी क्षेत्र में जाएं और चौराहे में भ्रम की स्थिति में खड़ा ना रहे, भ्रमित होकर के न रहे, उसका लक्ष्य तय हो। हमारे शिक्षण संस्थानों को उसको राह दिखाना है। और याद रखना, हर राह मंजिल में जरूर पहुंचती है, और उस मंजिल में पहुंचने की राह दिखाने के माध्यम हमारी शिक्षण संस्थानों को बनना पड़ेगा। इसके लिए छात्र छात्राओं को मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। इसके लिए कभी भी जीवन में लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शॉर्टकट का रास्ता आप मत अपनाइए। शॉर्टकट का रास्ता अपनाएंगे तो दुर्घटना का कारण बनेगा और जीवन में स्थायित्व नहीं दे पाएगा। और इसीलिए आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे यही कहूंगा, बांसगांव क्षेत्र में ऊर्जा है, प्रतिभा है, पोटेंशियल है, हमें केवल उसे सभी को मिल करके एक सकारात्मक दिशा की ओर आगे ले जा करके बांसगांव के सर्वांगीण विकास के लिए, इस पूरे क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करना होगा। उस दिशा में आज यहां पर जो कार्य अपने समय में बाबू चतुर्भुज सिंह जी ने किए थे, एक समाज सेवी के रूप में, एक ब्लॉक प्रमुख के रूप में, वह विस्मरणीय है। मैं इस अवसर पर बाबू चतुर्भुज सिंह जी को विनम्र श्रद्धा